24 तारीख को अगर चांद रात हो गई तो 25 को, या 25 को चांद रात होती है तो 26 से रमजान मुबारक का मुबारक महीना मसाजिद में न जा कर के अपने अपने घरों पे रोजा अफ्तार करें। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन। ना हम दोनों सल्ली अल्लाह रसूल करीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मुल्क वासियों से इसलिए मुखातिब हूं कि पूरी दुनिया के अंदर जो कोरोना की वबा फैली हुई है और उससे जो अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया है, उसको बुनियाद बना करके मैं आपके सामने कुछ अपने तासुरात रखना चाहता हूं और अपील साथ में करता हूं। 24 तारीख को अगर चांद रात हो गई तो 25 को, या 25 को चांद रात होती है तो 26 से रमजान मुबारक का मुबारक महीना शुरू होने जा रहा है। लिहाजा हमारा इस मौके के ऊपर अव्वलिन फ़र्ज यह बनता है कि वो न सिर्फ हम अपने आप को महफूज रखने के लिए, अपने ख़ानदान के अफराद को महफूज रखने के लिए, अपने ज़िले को, अपने राज्य को, अपने मुल्क को महफूज रखने के लिए हम ये पहल करें कि जो लोग इस मुबारक महीने के अंदर रोज़े रखते हैं, तरावियों की पाबंदी रखते हैं, कुरान शरीफ की तिलावत वगैरह करते हैं, रोज़ा अफ्तार वगैरह करवाते हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि वो मसाजिद में न जा कर के अपने अपने घरों पे रोज़ा अफ्तार करें और सामूहिक रूप से रोज़ा जो है वो बिल्कुल किसी कीमत पे, चाहे वो अपने घर के अफराद हों उस उनको भी लेकर के न करें, बल्कि अपने चंद आदमियों को जमा करके जो नौजवान हैं या बच्चे हैं उसके हिसाब से करें। और इसी तरह से तरावियाँ मस्जिद में जाकर के ना पढ़ें, अपने घरों में नमाजें पढ़ें और तरावियाँ पढ़ें, और कुरान शरीफ की तिलावत जितनी ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा करें, और अल्लाह ताला से ये दुआ मांगें कि ऐ अल्लाह, हमसे ऐसा कौन सा गुना सरजद हो गया है कि हम इस मोहलिक बीमारी के अंदर, मोहलिक वबा के अंदर मुब्तला हो गए हैं, उससे निजात पाने के लिए अल्लाह ताला से रोज़ाना अर्ज़ मारूज करें। और साथ में जो मरकजी हुकूमत और सूबाई हुकूमत ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उसके ऊपर अमल पैरा रहें, और अमल पैरा रहते हुए ये जगह जगह पर इस किस्म के माहौल को पैदा करने की कोशिश करें, और जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर गए उसको खिलाफ पूरी शिद्दत के साथ में कार्रवाई करें और उसको रोकें कि वो सामूहिक ना तो रोज़ा अफ्तार कराएं, ना मस्जिद में जाकर के नमाजें और तरावियाँ वगैरह की रस्म जो है वो अदा करें।